हाँ बोले मुनीर हुसैन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम इटली से बात कर रहे हैं जी। मैं इटली से बात कर रहे हैं। इटली में कैसे पहुंच गए आप? कितने साल हो गए वहाँ इटली में रहते हुए? पांच अभी इटली में तो मुझे 5-6 साल हो गया। छह साल। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं इनिशियली? हम बांग्लादेश के बांग्लादेश के? आप हिंदी तो बड़े अच्छी बोलते हैं। बांग्लादेश में आप हिंदी आपको आती थी पहले या सीख गए? अभी इधर आके सीख लिया, जो अपना दोस्त मोस्त था ना, इसीलिए उन लोग से बस ज्यादा तालीम लिया। अच्छा। हिंदी तो आपकी बड़ी माशाल्लाह, हिंदी अच्छी है आपकी। और बताएं आप क्या क्या बताएं, इटली में आप ठीक हैं? कोरोना वायरस वायरस ठीक है कि क्या हो रहा है वहाँ पर? नहीं, अभी सब कुछ ठीक हो गया, अभी इधर सब कुछ ठीक अच्छा, ठीक है। तो है। बताएं आप कुछ इटालियन में बोलें, कुछ इटालियन बताएं, क्या कितनी इटालियन आती है आपको? हाँ, मुझे तो बहुत इटालियन आती है। अरे आपको आती है इटालियन? इटली कहाँ पर रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं? में बताएंगे और हिंदी में बताएंगे। ये इटालियन में बताएं आप। सुनो मोनिर, भी बताओ और मीना, टावर अभी था वो मिलान, क्या कहा आपने? मीना, सिसली टावर मीना। अच्छा, बस इतना ही, हमें इतना ही सुनना था और कुछ नहीं सुनना था। चलो इतना ही बहुत है मेरे लिए। नहीं बहुत। बताएं नहीं, आपको क्या क्या आपके पास इटालियन पासपोर्ट है? मेरे पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है। बांग्लादेशी पासपोर्ट है। इटली का आपके पास परमानेंट यहाँ पर रहने का वो है कार्ड वगैरह यहाँ पर? परमानेंट रेसिडेंट है इधर का, जो प्रेमिसेस रेजिडेंट बोलता है इसको, और रेसिडेंट कार्ड भी है। गुड गुड। तो आप बताएं आपकी एजुकेशन क्या है? तो हमारा एडुकेशन SSC और HSC। HSC और HSC मतलब के ग्रेड 12? हाँ, ग्रेड 12 है, अच्छा। और आपकी प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं आप? बारटेंडर का काम करते हैं हम इधर। बार टेंडर का काम करते हैं। बार टेंडर, ठीक है, अच्छी। बार टेंडर जो जो बार में वो शराब रब देते हैं, जो वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रब आदमी लोग के ड्रंक्स बनाता हूँ हम। ड्रिंक्स नहीं, बनाते हो? अच्छी अच्छी बात है, फिर ड्रिंक्स बनाते हो, अच्छा। कितना आपने ये काम सीखा, आपने डिप्लोमा किया, कहाँ से सीखा है काम है? अच्छा हाँ, इटली में डिप्लोमा किया, इधर का डिप्लोमा है मेरा पास। अच्छा अच्छा कितने साल हो गए काम करते हुए? अभी इधर तो अभी 5 साल 4 साल हो गया है बारटेंडर का काम करता अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी आप इटली में खुश नहीं है क्या? कनाडा में ढूंढ रहे हैं कुछ जॉब? हूँ। हाँ, अभी कनाडा जाने के लिए बहुत कोशिश करता है। अभी इटली में अभी खुश नहीं है, इतना अच्छा नहीं है इटली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इटली में यहाँ पर जहाँ आप काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है पर मंथ की, ऑन एन एवरेज? जो हमारा सैलरी, परमानेंट सैलरी जो आता है पेपर में, जो 1300-1400 ऐसे आता है, और जो ओवर टाइम जो करता है वो भी पैसा मिलता है। मेरे को थोड़ा सा सुना नहीं, आई एम सॉरी। कितना बताया आपने, कितने बताया, यूरो डॉलर में कितना बताया? हाँ, यूरो, इधर के यूरो चलता है, जो 1300-1400 यूरो आता है पर मंथ, और ओवर टाइम और भी आता है 200 यूरो, मीन्स 1700 यूरो मंथली आता है। लेकिन जो मैं पेपर में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया 8 घंटा, उसमें आता है 1300-1400 ऐसे आता महीने में 1400-1500 यूरो आ जाते हैं। है। हाँ, हाँ, और तो भी करीब ट्रिप्स करीब। भी है, ट्रिप्स और क्या है? भी है, ट्रिप्स। अच्छा, उसके अलावा टिप भी है। तो टोटल हमारी कमाई कितनी होती है महीने की, 1700 यूरो ऐसे आता है। सारा मिला के? 1700 यूरो। हाँ ओके। हाँ, तो सारा मिला के। करीब 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 कितना हो गया, करीब करीब 2300-2400 कैनेडियन डॉलर हो गया हाँ, अच्छा है ना। क्या? तो इतनी कमाई, आई होप के, आई एम नॉट एक्सपर्ट, इतनी कमाई शायद कनाडा में भी होगी। तो आप इतना छोड़ के कनाडा में क्यों आना चाहते हो? यहाँ पर आपको इटालियन पासपोर्ट मिल जाएगा, EU का पासपोर्ट अगर मिल जाता है तो आपको कनाडा आने की शायद जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नहीं, कनाडा और एक अलग कंट्री है। ऐसे ऐसे जो अभी इटली में तो अभी बहुत कंफ्यूज हो गया, इधर आदमी बहुत हो गया, अभी धीरे धीरे डाउन में चलता है। लेकिन कनाडा ऐसे नहीं, कनाडा तो बहुत अच्छा जगह है जी, इसके लिए बस वो सपना का देश होता है कनाडा। इटली सपना का देश नहीं है ना। कनाडा कनाडा सपनों का देश है, अच्छी बात है। आप ऐसा करो कि आपके पास यहाँ का PR है इटली का, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा लो, कनाडा आके घूम जाओ, बड़े बड़े शहर में टोरंटो वैंकूवर में जाओ, देखो शायद आपको कोई बार में कोई कोई जॉब मिल जाएगी। अगर तो आप वर्क परमिट अप्लाई करने का, यही मैं कह सकता हूँ भाई। अच्छा, ये आओ, अभी तो टूरिस्ट आने के लिए
वो तो पासपोर्ट है, इटालियन का पासपोर्ट तो नहीं है ना मेरे पास। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी ये मत अप्लाई करना, कोरोना वायरस जब ठीक हो जाएगा तब आपके पास जो पीआर कार्ड है, आपके पास पीआर वहाँ का है और आपके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, अपनी इनकम शो करो, फंड शो करो, कम से कम मैं समझता हूँ कि 10-15 हज़ार डॉलर, 10-15 हज़ार यूरो आपके आपके पास हैं, तो आप हाँ एक पैकेज करो, एक पैकेज करो तो, और उसके बाद लेके आना फिर आप। कोई भी कोशिश करके बस हम आना चाहिए कनाडा में। कोई अगर ऐसा लाइन है तो मुझे करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिया आपको हमने ईमेल पर, लेकिन अभी नहीं, तो वीजा कस्टमर। वीजा मैं अप्लाई क्या करूंगा बॉस, मैं वीजा अप्लाई नहीं करता कर सकता किसी के, आपने मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दिए, मैं ऐसा क्या करूंगा। आपको वीजा वहीं पर रोम में जो कैनेडियन एम्बेसी है, वहीं पर अपने आप अप्लाई करो, आज नहीं करो, अभी मत करो, रुक जाओ 4-5 महीने, जब ये कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा तब करना आप। और एक आप फैमिली है, आप अकेले हो यहाँ नहीं कोई भी नहीं, हम सिंगल हो, अकेला ही हो। अभी? आप सिंगल हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 27। 27 उम्र हो गया, अच्छा ठीक है। तो चलो फिर, आपके नौकरी के कागज़ होने चाहिए, आपके पास फंड्स होने चाहिए, और एक पैकेज ले लो आप कहीं पर भी, जैसे हफ्ते 10 दिन का, और उसके बाद आप घूमने आ जाना, नौकरी का कागज़ वगैरह आपका आपका शो होना चाहिए। अच्छा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगा क्या करूंगा अभी तो कुछ भी जानता नहीं है। सपनों तो है उधर जाने के लिए, तो थोड़ा कुछ चलिए कुछ ना कुछ, करना देखो है, बॉस हेल्प। बॉस ऐसा है, देखिए देखिए सपना सबका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रॉड से बचो, किसी कंसल्टेंट को दोगे पैसे आपके मर जाएंगे, वहाँ पर फंस जाएंगे, इसलिए अपना टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा अपने आप अप्लाई करो वहाँ पर, पहली बात तो ये है। और अगर आपको दूसरा ये है कि आपके पास रेज्यूमे आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको लेकर आप जॉब अप्लाई करो, जॉब बैंक है एक कैनेडा की, वहाँ पर अगर आपको बाहर का वहाँ पर जो जॉब्स उसका नाम पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पता नहीं जो करते हैं, एनीवे आपके बाहर की जॉब्स देखो, वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आपसे डायरेक्टली अच्छा इंटरव्यू करके आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, हो सकता है आपकी लॉटरी खुल जाए, आपको जॉब मिल जाए। तो यही दो तरीके हैं, बाकी कंसल्टेंट एजेंट को पैसे देंगे जॉब के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या तो जॉब अपने आप ढूंढो ऑनलाइन, या तो फिर आप घूमने आओ और फिर यहाँ पर बाहर में जाके लोगों से मिलो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, किसी को जानता नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर थोड़ा कुछ हेल्प करना है आप तो बस बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। सर जी बात बताओ, मैं कैसे हेल्प करूं, मेरे पास तो कोई बाहर वाला कोई जानता नहीं कि मैं उसको बोलूं कि बाहर में जी यहाँ पे इनको नौकरी रख लो, मैं ना किसी को, मैं तो आज तक कभी शराब खाने गया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है बाहर में होता क्या है, मैं किसको क्या पंजाबी बोलूं भाई। आदमी ऐसे बात करना अच्छा आवाज नहीं है ना, पंजाबी आदमी हो तो बहुत शराब पीता है। वो पीते होंगे लहर जी, मैंने शराब नहीं पिया आज तक, वो काफी लोग पीते हैं, अब ये तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि पीते हैं, लेकिन मैंने आज तक, तो मेरे को पता ना, मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं तो कोई ये नहीं पता कि बार के अंदर होता क्या, कभी मैं गया ही नहीं अंदर। अगर मेरे को तरीके कोई मालूम नहीं है पाजी, कोई भी तरीके में मुझे कुछ अप्लाई करना है, मुझे हेल्प करना है, बस कोई कुछ भी जरूरत है मुझे चलो बताना आप है। ऐसा करो, आप कोई बात नहीं, आपने आपने कागज़ आप अपने अपना रेज्यूमे जो बायोडाटा और इटालियन में इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सारा भेजो पहले। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया पूरा का पूरा, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको भेज दिया, मेरा सैलरी का पेपर जो अब मेरा चक्कर कल। ये चक्कर ये है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप बाहर वालों को उनको रेज्यूमे भेजूँ, उनसे बोलूँ कि आप भाई बात करो मेरे से, मेरे को बात करानी, इंटरव्यू करनी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मेरा काम है इमिग्रेशन की केस लड़ना, वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल है उसको अपील करना, ये मेरा काम है। अब मैं जॉब सर्च के लिए किस किस के हाथ जोड़ता फिरूंगा पहले के भैया तुम बात मेरे से कर लो, उनको जॉब कर दो, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। लेकिन अब अगर देखता हूँ मैं किसी को भेजता हूँ, अगर शायद हो जाए, बट यू नो आई एम नॉट वेरी गुड एट जॉब सर्च फॉर श्योर, तो मैं अब क्या बोलूँ इसके आगे। कोई भी तरीके मुझे बस हेल्प करना, मेरा कोई आदमी नहीं उधर, बस आपको इसीलिए हम पास कर सकते हैं आपको, लेकिन मुझे थोड़ा हेल्प करना है। आदमी को तो बहुत हेल्प करते हैं आप, मेरा सपना उधर आने के लिए, कोई भी तरीके में मुझे बस हेल्प करना है आपके साथ। सर जी मैं कोई गारंटी नहीं करता हूँ, मैं देखूंगा आपके रेज्यूमे वगैरह देखूंगा, देखूंगा क्या होता है। बाकी मैंने आपको बताया ना कि आप सर्च अपने आप भी करो, वहाँ पर जॉब बैंक भी जाओ, वहाँ के बाहर की सर्च करो और देखो क्या है। मेरे लिए इधर सच्ची बात करते हैं, इतना बड़ा आसानी का बात नहीं है, तो बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हम इसीलिए
एस वाला का मुझे आता नहीं, लेकिन इसीलिए आपको टेलीफोन में जानता अब था आप देख ले, जब इसलिए। आपके लिए इतना मुश्किल है जॉब सर्च करना, मैं आपके लिए जॉब सर्च करूँ, मेरे लिए आसान कैसे हो जाएगा? नहीं, अब तो उधर रहता है आप, इमिग्रेशन में हमारे काम रहने से बदल क्या होता है दीजिए। यार, हमारे रहने से क्या होता है, इंटरनेट आपका वही इंटरनेट आपका है, वो इंटरनेट हमारा है, हमारे रहने से। अब हमारे हमारे शहर में, जो एडमिंटन हमारा शहर है छोटा सा, वहां पर इतने शराब खाने नहीं है। यहाँ पर मैं किस 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 को बोलूँ कि भाई यहाँ पर इसका रेज्यूमे ले लो। और आजकल कोरोना वायरस करके, कोरोना वायरस करके सारा काम भी बंद है वैसे। ये और प्रॉब्लम है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है यहाँ पर, तो आप कोई यहाँ पर उनका काम भी सही तरीके से चल नहीं रहा, वो क्यों लेंगे आप करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है ये बात। मालूम है, आपकी आपके लेकिन आपकी पढ़ाई सिर्फ सिर्फ 12वीं करी है ना आपने, 12th के बाद कुछ नहीं किया? नो, मैं पढ़ाई किया बांग्लादेश में, पढ़ाई किया। नहीं, यहाँ पर कोई आपका डिप्लोमा नहीं है इसका, कि बार का वाइन का कुछ ऐसा डिप्लोमा है आपके? हाँ डिप्लोमा तो है, वो भी भेज दिया आपको, नहीं, वो कितने साल का है? 1 साल का है? तो 1 साल का है। अच्छा, आपने इंग्लिश का कोई वो लिया, टेस्ट लिया, IELTS वगैरह कुछ? वो IELTS अभी तक नहीं लिया, सिर्फ वही बाकी है। आपको मैंने पहले भी शायद एक बार कहा था IELTS का टेस्ट लेना आप। ड्यूलिंगो टेस्ट मैंने, मुझे हाँ, बताया था आपने। डुओलिंगो ले लो। तो जब तक आप टेस्ट, जब हाँ तक, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पे है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपने टेस्ट लिया ना, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है। वो भी हम ले लेंगे, लेकिन अभी पहले वाला काम जो आप थोड़ा मुझे हेल्प करना है, जब आप होते हो पहले, जरूर। आप पहले डुओलिंगो टेस्ट लो, पहले देखो उसमें कितना स्कोर आ रहा है, फिर मेरे को बताना। अच्छा, डुओलिंगो टेस्ट आप ले लो, इंटरनेट पे होता है कम्प्यूटर। और तो हमने वो भी डाउनलोड किया, अभी पढ़ाई करता है ड्यूलिंगो के लिए। हर रोज हम पढ़ाई करते हैं मेरा एक कंप्यूटर में। अभी ट्राई प्रैक्टिस टेस्ट भी किया, वो भी अच्छा है, लेकिन अभी फाइनली टेस्ट नहीं दिया अभी तक, अभी हम देंगे, है या ना। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो दे टेस्ट, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ, पहले जो काम मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, सब कुछ हेल्प करना है प्लीज पाजी, लेकिन मुझे बहुत बड़ा सपना है उधर आने के यार लिए। मेरे को आपसे सवाल ये पूछना है, एक पूछना है आपको सवाल, एक आखिरी सवाल। चलो ठीक है, देखते हैं। सारी दुनिया तो यूरोप के पीछे आती है कि यूरोप में सेटलमेंट हो जाए, आप यूरोप छोड़ के कैनेडा उधर। बस वही है ना, जैसे इंडिया छोड़ के हमने यूरोप में आ गए, यूरोप में जो ज्यादा साल हो गया, काफी साल हो गया, अभी मुझे अच्छा नहीं लग गया, इसीलिए कनाडा के लिए थोड़ा डिस्कस करना। वो भी बहुत सपना का देश है, आदमी लोग बोलता है जब उधर जाएगा जा सकता है, तो बस पूरा लाइफ का लाइफ चेंज हो जाता है। सपना का देश है, सपना का देश है भाई साहब। सपने जो होते हैं ना, रात को सपने आते हैं, सुबह तक खत्म हो जाते हैं। सपने पे मत जाओ आप। हमें तो लोग कई बार कॉल करते हैं यहाँ से, बताते हैं जी यूरोप में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, बहुत नंबर 1 कंट्रीज हैं, टॉप कंट्रीज हैं, वहाँ जाके रहना चाहिए। कनाडा अमेरिका में क्या रखा है? कभी मैंने सुना नहीं। यहाँ पर यूरोप के जो लोग हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, और वो यहाँ के कनाडा में धक्के खाते, मैंने तो बहुत कम देखा है, बहुत ही रेयर देखा है वैसे। तो हम आप थोड़ा अलग हो गए, यूरोप छोड़ के इधर भाग रहे हो? हम यूरोप छोड़ के जाना चाहते हो अभी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस चलो ऐसे ही है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, दुनिया चल रही है इधर उधर। ठीक है, चलो यही है देखते ना, हैं अपने, मुझे देखते हैं फिर हम लोग, मैं देखूंगा आपका रेज्यूमे वाला, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है जी। कोई भी चीज़ और भी जरूरत है तो मुझे बताना, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन अब मेरा साथ था, कीप इन टच, व्हेन यू हैव टाइम, राइट। ठीक है, ठीक है, इटालियन में मैं ये कह देता हूँ, ग्रासिए मिले, ग्रासिए। ग्रैसे अंकल, आपका अच्छा तरफ से आता है इटालियन, हमें को अच्छा इटालियन आता लगा नहीं, मुझे। आप जैसे लोगों से सीख रहा हूँ बस। फिर आगे इसके बोलूंगा मिले ग्रासिए बोलूंगा चाओ। नहीं, सॉरी सॉरी, एक वर्ड और मेरे को आता है, एक वर्ड और आता है, उसको कहते हैं अरिविदेर्ची। अरिवेदेसी के मतलब बाय बाय हाँ, होता बाय बाय मतलब बाय बाय, अभी करेंगे, बाद में मिलेंगे ना, फिर दोबारा मिलेंगे, अभी बाय बाय करेंगे। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक है जी, थैंक यू, थैंक यू, ठीक यू है। सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, चल चल चल।